नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश के ख्याति नाम टैगोर विश्वविद्यालय और रविंद्र भवन में वनमाली कथा सम्मान समारोह 15 से 17 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हिंदी साहित्य क्षेत्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के पूर्व आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कथा शीर्ष सम्मान से प्रोफेसर धनंजय वर्मा, चंदमारी राष्ट्रीय कथा सम्मान से वरिष्ठ कथाकार गीतांजलि प्रवासी, भारतीय कथा सम्मान से दिव्या माथुर अलंकृत किए जाएंगे। सुप्रतिष्ठित कथाकार, शिक्षाविद एवं विचारक स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद चौबे, चंदमाली जी के रचनात्मक योगदान और स्मृति को समर्पित संस्थान वनमाली सृजन पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कवि कथाकार संतोष चौबे ने बताया कि इस बार 8 अलग अलग श्रेणियों में रचनाकारों को वनमाली और सम्मानों से अलंकृत किया जाएगा। विश्व रंग के अंतर्गत वनमाली कथा शीर्ष सम्मान एवं वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं 1-1 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान वरिष्ठ कथाकार हरि भटनागर, वनमाली युवा कथा सम्मान चंदन पांडे, वनमाली कथा आलोचना सम्मान वैभव सिंह, वनमाली साहित्य की पत्रिका सम्मान दिल्ली से प्रकाशित कथा देश को प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पहली बार 2 श्रेणियों में रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। पहला चंदमाली प्रवासी भारतीय कथा सम्मान वरिष्ठ कथाकार दिव्या माथुर को प्रदान किया जाएगा और पहला वनमाली विज्ञान कथा सम्मान वरिष्ठ विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी को प्रदान किया जाएगा। इस स्तर के लिए प्रवर्तित वनमाली कथा सम्मान समारोह हम लोगों ने परिकल्पित किया है और 15 से 17 अप्रैल के दरमियान रविंद्र भवन और हमारे विश्वविद्यालय परिसर में तमाम गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें देश के तमाम लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार, आलोचक, शोधार्थी और विद्यार्थी ये सब अलग अलग विषयों पर विमर्श करने के लिए और हिंदी कहानी को केंद्र में रखकर जो तमाम गतिविधियां हमने आयोजित की है उस सब के आसपास शिरकत करने के लिए वनमाली सृजन पीठ की ओर से और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला केंद्र की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब पैंडेमिक के बाद यानी कोविड जैसी महामारी के बाद शायद पहली बार इस मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में कई गतिविधियां स्थगित जैसी थीं, लेकिन अब हमने सोचा है कि जो वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान है उसका अगला आयोजन किया जाए। आपको मालूम ही है कि टैगोर विश्वविद्यालय देश भर में रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति को जीवित रखे हुए है और साथ में साहित्य, कला और संस्कृति का बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय रूप से कर रहा है। 35 देशों में ये काम फैल गया है। हमारे कुछ मित्र यहाँ हैं जो विश्व रंग के पहले आयोजन में भी थे, तो वहाँ से अब ये वनमाली सृजन पीठ और टैगोर सेंटर लगभग 35 से 40 देशों में इस समय कार्यरत है। जहाँ तक वनमाली कथा सम्मान का सवाल है, विनय ने बताया कि ये 15, 16, 17 अप्रैल यानी कल परसों नरसों रविंद्र भवन में और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। हमारे जो पुराने साहित्य पत्रकार बंधु हैं वो जानते हैं कि वनमाली कथा सम्मान देश का अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। ये उसका 30वां वर्ष है और 1993 में सम्मान शुरू हुआ था। देश के बहुत सारे बड़े साहित्यकार जिसमें ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, उदय प्रकाश, मालती जोशी, हाल के वर्षों में बहुत सारे युवा कथाकार, युवा लोग, युवा आलोचक, ये सब शामिल हैं और ये हमारा 2 वर्ष में एक बार आयोजन होता है, तो ये 10वां आयोजन है। और इसमें अब इस बार हम लोग 8 पुरस्कार देने जा रहे हैं। उसके पहले मैं ये भी बताऊं कि इस बार पुरस्कारों की विश्व रंग के बाद एक नई श्रेणी स्थापित की गई है जो प्रवासी भारतीय यहाँ से बाहर चले जाते हैं। देखिए, वो सब देश के प्रति बहुत ही आकर्षित रहते हैं, एक नॉस्टैल्जिया उनके मन में रहता है, याद और स्मृति मन में रहती है, पर हमारा जो भारतीय रचनाकार का संसार है वो उनको उस तरह से अपने बीच में समेटता नहीं था। विश्वरंग ने पहली बार कोशिश की कि सारे देश के प्रवासी भारतीय कथाकार आए और करीब करीब 500 लोग उस समय आए थे, तो इस बार पहली बार प्रवासी भारतीय कथाकार को भी सम्मान दिया जा रहा है।
और लंदन से दिव्या माथुर जी उसमें रहेंगी, वो आ चुकी हैं, और सुषम बेदी हैं, तेजिंदर शर्मा हैं, लेकिन इस बार दिव्या माथुर जी को ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरी बात, हम लोग सब हिंदी में काम करते हैं, अभी हाल में हिंदी पत्रकारिता पर एक विज्ञान पत्रकारिता पर एक कार्यशाला भी हमने की। आप सोचो कि हिंदी में विज्ञान कथाएं कहाँ हैं? आप जयंत नार्लिकर कुछ कथाएं लिखते थे, गुड़ाकर मुले थे, कुछ और लोग भी हैं, अब नए युवा कथाकार लिख रहे हैं, तो इस बार एक विज्ञान कथाओं पर भी पुरस्कार रखा गया है। आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो लगभग 70-75 साल के हुए विज्ञान कथाएं लिखते हैं, उनको भी इस बार बढ़ाया गया। और एक तीसरा बड़ा सम्मान, अपने पूर्वजों की याद करते हुए एक कथा शीर्ष सम्मान भी रखा गया है, जो कि वरिष्ठ कथाकार जो जीवन भर काम करते रहे, तो अपने उज्जैन के आलोचक डॉक्टर धनंजय वर्मा को कथा शीर्ष सम्मान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे अन्य सम्मान जो रेगुलर और रूटीन में हैं, डॉक्टर धनंजय वर्मा कथा शीर्ष सम्मान, दूसरी गीतांजलि श्री के बारे में आपने सुना होगा, वो वैसे छुपी हुई कथाकार थी, लेकिन हाल में उनकी किताब जो है हिंदी में बुकर में शामिल हुई है, बुकर की रेस में है, लास्ट 6 में पहुंच गई है। पहली बार वनमाली सज्जन पीठ ने उस तरह से रिकग्नाइज किया है उनको, और वो भी रहेंगी, तो ये खुशी की बात है कि वनमाली कथा सम्मान मिलने के बाद उनकी किताब बुकर में भी शामिल हुई है। तो भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।